सख्ती खबर आ रही है कि बजरंग पुनिया सेमीफाइनल का ये मुकाबला हार गए हैं। हालांकि निराश होने की बात नहीं है, परफॉर्मेंस उनका बेहतरीन रहा। मेडल आया हो या ना आया हो, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जो परिश्रम रहा है, उसकी तारीफ करनी बहुत ज़रूरी है। कोविड के मुश्किल समय में तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने अपना जज्बा, अपना जोश कायम रखा। कड़ी टक्कर दी बजरंग पुनिया ने, अब ब्रॉन्ज के लिए वो खेलेंगे, तो निराश होने की बात नहीं है। अभी देशवासियों को एक और मौका उनके पास है। बजरंग पुनिया जो है सेमीफाइनल भले ही हार गए हों अजरबैजान के रेसलर से, लेकिन आगे अब उन्हें ब्रॉन्ज जीतने का मौका मिल रहा है। तो ब्रॉन्ज के लिए जो मुकाबला होगा उसमें भी बजरंग पुनिया को आप देखेंगे रिंग में अपना 100% देते हुए, अपना परिश्रम, अपना डिटर्मिनेशन मैदान में उस मेडल के लिए दिखाते हुए आप बजरंग पुनिया को फिर से देखेंगे। एक मुकाबला हार जाने पर जाहिर तौर पर उससे आपके मेंटल प्रेशर जरूर बढ़ता है, लेकिन पूरा देश बजरंग पुनिया के साथ है और ये कोचेस भी उनके इस वक्त उनको कह रहे होंगे, उनके साथी भी इस वक्त उनको ये कह रहे होंगे कि कोई बात नहीं, सेमीफाइनल का मुकाबला हारे हो लेकिन आगे ब्रॉन्ज जीतने का मौका है आपके पास, इसीलिए आप अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज मत कीजिए। कोशिश करते हैं कि हम अमित गौतम के पास चलें। अमित, बजरंग पुनिया मुकाबला हार गए सेमीफाइनल का, लेकिन ब्रॉन्ज जीतने का मौका है। कमरे में 2009 से लेकर 2014 तक यानी कि करीब 5 साल प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें आज उनके जूनियर पहलवान बैठ कर उनका मैच देख रहे थे। बड़ा इस लिहाज से कि वो वहाँ पर एक खेल जो उन्होंने खेला वो हमेशा उस खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके की उम्मीद जहाँ तमाम स्टूडेंट्स थे, जो छात्र बैठे हुए थे, वो लगा रहे थे, वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक सीख की वहाँ तक पहुँचने की। अब सभी हमारे जो पहलवान थे वो इस उम्मीद में बैठे थे कि बजरंग गोल्ड लेके आएगा, तो पूरी उम्मीद थी हमारी, फेडरेशन को भी बजरंग से पूरी उम्मीद थी। बढ़िया लड़ा है, लेकिन थोड़ा पाँव इसका वो है, चोट है, इस उम्र लागी रशिया में एक महीना पहले तो भी उस पाँच बड़ा गोटे कम करे था। ये बजरंग पुनिया के पिता थे जो कह रहे हैं कि बढ़िया खेले हैं बजरंग पुनिया, गर्व है उनको अपने बेटे पर, थोड़ा पैर में चोट की वजह से शायद दिक्कत हो रही है। अमित का रुख करते हैं। अमित, बात कीजिए परिवार वालों से। जी जी, मैं मेरे साथ उनकी माताजी हैं। माताजी, काफी अच्छा खेले बजरंग पुनिया और अभी भी उम्मीद है कि वो कांस्य पदक जरूर जीतेंगे। हाँ सर, भाई उम्मीद है, एकदम अच्छा खेले और खूब बढ़िया दिखाए और उम्मीद है। सुन, हराजी चीज भया करे भाई, दोनों टीम में एक तो पड़ा है, दोनों खड़े क्यों कर रही है। जी मेरे साथ इस पर उनके दोस्त भी काफी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जी बजरंग पुनिया आपके दोस्त हैं, मित्र हैं काफी समय से, कितने समय से मित्र? काफ़ी पुराने हैं भाई, 10-15 साल से हम साथ में, पहलवानी भी की है, मेडल भी आए हैं और साथ भी रहे हैं और रिश्तेदार भी हैं हमारे। इस बार जो हार गए, लेकिन कांस्य पदक अभी भी उम्मीद है तो पदक आप सभी देशवासियों का अगर आशीर्वाद और प्यार रहा तो कांस्य पदक के लिए जरूर बहुत अच्छी कुश्ती दिखाएंगे। लोगों में उनके इस हार से लोगों में थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन अभी भी उम्मीद जगी हुई है, उनको पूरा विश्वास है कि बजरंग पुनिया है वो कांस्य पदक जरूर जीत के लाएंगे। बिल्कुल निराशा है, लेकिन अभी इतना निराश होने की और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन उनका फील्ड पर रहा और माता पिता इस वक्त जो रिएक्शन दे रहे हैं हमें तो बहुत महत्वपूर्ण। परिवार कह रहा है कि हम बजरंग के साथ हैं, बहुत अच्छा खेला हमारा लड़का, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। एक बार फिर से पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, कोच से जरा आप समझिए, क्योंकि वो गेम को देख रहे थे, एनालाइज भी कर रहे थे, अब कांस्य पदक जीतने का मौका है तो उनके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, आपने पूरा ये मैच देखा, आपके हिसाब से क्या बदलाव की जरूरत थी, कहाँ चूक रह गई थोड़ी सी? थोड़ी इसके अंदर थोड़ी ताकत की कमी रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी पड़ गया। हाँ। उसका लेग अटैक बहुत अच्छा था, थोड़ा बजरंग को और कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी उसको हराने के लिए। और ये हार तो कुश्ती में हार जीत से कोई ज़्यादा वो नहीं होता, मायने रखता, लेकिन अभी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल की बाउट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है 100% कि अब बजरंग जो है
ब्रॉन्ज जरूर देगा भारत को, भारतवासियों को ब्रॉन्ज उसका जरूर आएगा। अच्छा मैं देख रहा था, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, जिस समय बजरंग पुनिया का गेम चल रहा था तो उस समय यहाँ पे बहुत सारे लोग उनके जो छत्रसाल स्टेडियम के स्टूडेंट हैं वो बैठे वो मैच देख रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन जैसे ही बजरंग उस खेल को हारे तो यहाँ से निराशा के साथ बहुत सारे लोग उठ गए। वो तस्वीर परेशान करने वाली तो थी ही, और छत्रसाल के लिए तो वैसे भी जहाँ उन्होंने 5 साल प्रैक्टिस की। बिल्कुल, हमारे पहलवान उससे बहुत प्यार करते हैं, और जैसे कुश्ती हारी तो दुख में यहाँ बैठे नहीं रहे, उठ के चले गए, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी, होप था कि वो आज बजरंग जीते। तो थोड़ा सा होता ही है जब अपना आदमी कोई हारता है तो परेशानी होती है। अच्छा अजीत यहाँ कोच हैं, अजीत जी यहाँ कोच हैं, आप जिस तरीके की खेल की बात कर रहे थे उसकी उम्मीद आपको लास्ट तक थी कि बजरंग अपना इतिहास दोहराते हुए उसी तरीके का लास्ट गेम खेलेंगे और जीतेंगे? मुझे लास्ट तक ये उम्मीद थी कि बजरंग को ना कोई फेरबदल जरूर कर देंगे, लेकिन जो सीनियर पहलवान होते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और उन्होंने कुश्तियाँ देखी होती हैं, तो वो पहले से स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं कि बजरंग अगर ऐसे अटैक करेगा तो उसको करने नहीं देना। आखिर में 2 सेकंड बचे थे, अंतर बहुत बड़ा था, अंतर बड़ा था, अगर 4 पॉइंट भी लेते तो भी जो कवर नहीं होता, इसलिए उसमें ये कुश्ती से अंतर कम रखा गया होता तो शायद उम्मीद। हाँ, अगर कुश्ती में अंतर कम होता तो उम्मीद बहुत बड़ी थी उसमें, 100% फिर वो उसको चेंज कर देता, लेकिन इसमें पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस ज्यादा था तो इसलिए खेल भावना है। लेकिन अभी इससे आगे बढ़ना होगा, अभी फोकस जो है वो ब्रॉन्ज मेडल पर रखने की जरूरत है। एक बार फिर से रुख करते हैं अमित गौतम का, पुल की तब हमारे साथ बने रहिए और भी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाइए। अमित आप भी जरा परिवार वालों से बात कीजिए, थोड़ा ढांढस बढ़ाइए उन्हें और उनको बताइए कि ब्रॉन्ज मेडल अभी है, एक मुकाबला बाकी है, तो इतना अभी से निराश ना हो। जी बिल्कुल, अभी वो बिल्कुल भी निराश नहीं है, हम कोशिश कर, वो कह रहे हैं कि हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारा लड़का जो है कांस्य पदक जरूर लाएगा, और उनको उनको ही नहीं उनके पड़ोसियों, उनके रिश्तेदार और उनके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो पूरी उम्मीद बनाए बैठे हैं। उन्होंने अभी हल्की हालांकि थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद उनकी अभी भी नहीं टूटी है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगली बार जो हमारा कांस्य पदक जरूर लाएगा मेरा बेटा। जी, और उम्मीद टूटने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, उम्मीद क्यों टूटनी चाहिए पुलकित, ये खेल है और ऐसा होगा ही, एक ही गोल्ड मेडल, एक ही सिल्वर मेडल और एक ही ब्रॉन्ज दिया जाएगा, और अभी दावेदारी बाकी है ब्रॉन्ज के लिए।